वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल यू आर वॉचिंग डेली एडिटोरियल एनालिसिस कवरिंग एटीनथ जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेल इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे इन दिस वीडियो विल कवर टू मेन आर्टिकल्स टूडे द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द अग्निपथ स्कीम फॉर द आर्म्ड फोर्सेज इसे हम डिटेल में कवर करेंगे then we'll also talk about the situation of government jobs in india so let's begin with it so aaj ka hamara pehla article humne aaj ke the hindu newspaper se liya hai it is about the agnipath scheme for the armed forces now humne agnipath scheme ko थोड़े ही दिनों पहले अपने current अफेयर video में भी discuss किया था and आज हम दोबारा Agnipath scheme की बात करने वाले हैं बिकॉज़

प्रेजेंटली रिक्रूटमेंट किस तरह होती है देन वट इज़ दिस अग्निपथ स्कीम अबाउट जिसे लेकर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है एंड अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो अग्निवीर आर्मी में आएंगे आर्म सर्विसेज में आएंगे उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे फिर हमने हमारी करंट अफेयर्स वीडियो में टूर ऑफ ड्यूटी डिस्कस किया था जिसे अग्निपथ भी कहा जा सकता है टूर ऑफ ड्यूटी इसमें और कॉन्स्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है वो भी हम देखेंगे वाई डू वी नीड अ स्कीम लाइक अग्निपथ हमारी जरूरत क्या है वो भी देखेंगे एंड वॉट आर द क्रिटिसिजम अगेंस्ट द स्कीम सो लेट्स बिगिन विद इट तो सबसे पहले समझते हैं कि एट प्रेजेंट रिक्रूटमेंट जो है वो कैंडिडेट्स की किस तरह होती है हाउ आर कैंडिडेट्स रिक्रूटेड टू दिस सर्विस एट प्रेजेंट तो सबसे पहले यहाँ पे आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन एस एस सी जो एस एस सी के ऑफिसर्स हैं दे आर प्रेजेंटली इंडक्टेड अंडर दी टेन प्लस फोर स्कीम ये टेन फोर प्लस फोर स्कीम क्या होती है यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं ये टेन ईयर्स के लिए सर्व करते हैं एंड दे कैन ईदर आप ऑप्ट आउट ऑफ दी सर्विस और दे कैन एक्सटेंड देयर सर्विस बाई फोर ईयर्स वो चाहे दस साल तक सर्विस तो करेंगे ही करेंगे दस साल के बाद वो खुद सर्विस से ऑप्ट आउट हो सकते हैं छोड़ सकते हैं या फिर दस साल के बाद चार साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस दे कैन रिज़ाइन एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ़ फोर ईयर्स जो लास्ट फोर ईयर्स प्लस फोर हमने यहाँ पे लिखा है वो फोर ईयर्स के दौरान भी वो कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि टेन प्लस फोर स्कीम के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाती है उसके अलावा हमारे पास आता है परमानेंट कमीशन नो परमानेंट कमीशन का मतलब ये है कि जिनकी जिन कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट हुई है थ्रू परमानेंट कमीशन उनका करियर सर्विस के अंदर जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती तब तक रहेगा एंड यहाँ पे हम मोस्टली जब वुमेन ऑफिसर्स का केस डिस्कस करते हैं तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को ये इंश्योर यू नो कहा था दैट दे नीड टू तो इंश्योर कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं इस्पेक्टिव ऑफ़ द ईयर ऑफ सर्विस दे शुड बी ग्रांटेड द परमानेंट कमीशन इन द आर्मी तो ये दो तो मेन तरीके हैं अभी तक जिसके थ्रू जो कैंडिडेट्स थे उनको रिक्रूट किया जाता था शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू या फिर परमानेंट कमीशन के थ्रू सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अग्निपथ स्कीम फिर क्या है अग्निपथ स्कीम जिसको हम टूर ऑफ ड्यूटी भी बोल सकते हैं इस स्कीम के अंदर सोल्जर्स uh, को रिक्रूट किया जाएगा फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑन ऑल इंडिया एंड ऑल क्लास बेसिस दोनों चीजें हैं यहाँ पे अग्निपथ में सोल्जर्स को शॉर्ट टर्म के लिए भी और कुछ सोल्जर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिक्रूट किया जाएगा एंड दिस विल बी डन ऑन एंड ऑल इंडिया एंड ऑल क्लास बेसिस नाउ इसका एम क्या है मेनली हम देख रहे हैं कि आ, बार बार जब भी बजट आता है या फिर जब भी डिफेंस मिनिस्ट्री से हम बजट रिलेटेड डिस्कशंस देखते हैं सो दे ऑलवेज से दैट देर अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ सैलरीज एंड पेंशन यू नो दैट डिफेंस मिनिस्ट्री इज फेसिंग सो टू रिड्यूस द सैलरीज एंड पेंशनज एंड टू डाइवर्ट द रिसोर्स टूवर्ड्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन दिस स्कीम हैज बिन इंट्रोड्यूस्ड नाउ एलिजिबिलिटी क्या है सो हैर द कैंडिडेट्स दे शुड बी बिटवीन द एज ऑफ सेवनटीन पॉइंट फाइव ईयर्स टू ट्वेंटी वन ईयर्स सेवनटीन पॉइंट फाइव ईयर्स से लेकर ट्वेंटी वन ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है दैट इज दैट दे शुड भी क्लास टेंथ और ट्वेल्थ पास डिपेंडिंग ऑन द सर्विस एंड देयर असाइंड रोल न जो रिक्रूटमेंट है सेंटर तो अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा उनको अग्निवीर कहा जाता है तो अग्निवीर जिन्हें रिक्रूट किया जाएगा ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है ये हर सिक्स मंथ्स के बाद रिपीट होगा एंड यहां पे विमेन की जो रिक्रूटमेंट है दैट विल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्विसेज कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वेमेन रिक्रूटमेंट होगी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट के बाद सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग होगी जिसके बाद जो अग्निवीर हैं उनको रिमेनिंग थ्री एंड हाफ ईयर के लिए रिक्रूट किया जाएगा डिप्लॉय किया जाएगा तो एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम होगा दैट विल बी यूज फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द अग्निवीर एंड जो सिलेक्शन है वो एक्सक्लूसिव रेडिस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्म फोर्सेस के थ्रू की जाएगी तो यहां पे आप देखिए कि अग्निवीर जिसकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है सिक्स मंथ्स तक ट्रेनिंग चलेगी जिसके बाद थ्री एंड हाफ इयर्स के लिए इनको डिप्लॉय किया जाएगा ना अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट द परमानेंट एनरोलमेंट ना जब एक अग्निवीर के फोर ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हो जाएगी देन दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट एनरोलमेंट इन आर्म्ड फोर्सेज फोर ईयरस की कंप्लीशन के बाद अग्निवीर परमानेंट एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है And up to 25% of them, they will be selected on an objective basis. Sir, 25% ko permanent enrollment di jayegi and they will be enrolled as a regular cadder. And unka jo, uh, jo service period hoga they will have to serve for minimum of 15 years. इसके बाद कम से कम पंद्रह साल के लिए उनको सर्व करना होगा बिकॉज नाउ दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ परमानेंट एनरोलमेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ द रेगुलर कैटर एंड यहाँ पे जो री एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब देखो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसे होंगे जिनको आगे आ, आर्मी के अंदर परमानेंट एनरोलमेंट मिलेगी उसके अलावा जो सेवेंटी फाइव परसेंट हैं दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ द सर्विस And after serving the armed forces for three and a half year, they're returning back to their society as well. So for them, the scheme says that there would be adequate re-employment opportunities that will be created. Agni ko koi bhi pension ya gratuity benefits nahi diye jayenge scheme This scheme does not apply to defence officers. जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो ऑफिसर्स आते हैं उनके ऊपर ये स्कीम अप्लाई नहीं होती है तो करंटली आर्मी में जो यूथ है जो यंग पीपल हैं उनको मेनली रिक्रूट किया जाता है थ्रू एस एस सी फॉर द इनिशियल टेन ईयर ऑफ टेन ईयर्स जैसे कि हमने देखा विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू फोर्टीन ईयर्स टेन प्लस फोर ईयर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आफ्टर दिस वी शुड नो यू नो वॉट आर द बेनिफिट्स दैट विल बी गिवेन टू अग्निवीर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सैलरीज की बात करें तो अग्निवीर को एनुअल पैकेज दिया जाएगा ऑफ 4.776 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर तक दिस विल गो टू सिक्स लाख नाइन्टी रुपीज़ इसके अलावा जो अलाउंसेज दिए जाएंगे मंथली सैलरी के साथ साथ अलाउंसेज मिलेंगे उनके ट्रैवल के लिए उनके यूनिफॉर्म के लिए उनको अलाउंसेज दिए जाएंगे

अगर सोल्जर्स ऐसा करते हैं तो दे विल गेट इलेवन लाख एंड सेवेंटी रुपीज अमाउंट में टैक्स फ्री अमाउंट उनको दी जाएगी जिसके अंदर इंटरेस्ट होगा, जो एप्सुलट अमाउंट जमा की गई थी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा इसके अलावा अग्निवीर को थर्टी डेज की एनुअल लीव ग्रांट की जाएगी सिक लीव मेडिकल एडवाइस के बेसिस पे मिलेगी यहां पे अगर हम इंश्योरेंस कवर देखें तो अग्निवीर्स को नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा ऑफ रुपीज फोर्टी एट लाख ड्यूरिंग देयर सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट आर गिवन टू द अग्निवीर्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्लियर होना चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूर ऑफ ड्यूटी एंड कॉन्सक्रिप्शन कॉन्सक्रिप्शन बेसिकली रेफर्स टू मैंडेटरी यूथ इन द नेशनल आर्म्ड फोर्सेस इट्स मैंडेटरी फॉर द यूथ टू बी इन द नेशनल आर्म्ड फोर्सेज जैसे कि इज़राइल नॉर्वे नॉर्थ कोरिया स्वीडन ये प्रैक्टिस इन कंट्रीज में की जाती है जहाँ पे यूथ को कुछ टाइम पीरियड के लिए नेशनल आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना होता है यह कंपलसरी होता है यूथ के लिए लेकिन जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये कंपलसरी नहीं है ये इंडियन यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है दैट दे कैन एक्सपीरियंस द मिलिट्री लाइफ विदाउट हैविंग टू ज्वाइन दर्म्ड फोर्सिसम बेस लॉन्ग टर्म बेसिस पे आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आप शॉर्ट टर्म में जो मिलिट्री लाइफ है उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन वट इज द नीड ऑफ सच अ स्कीम अग्निपथ स्कीम या फिर टूर ऑफ ड्यूटी की जरूरत क्या है नाउ अग्निपथ स्कीम और जो टूर ऑफ ड्यूटी है दिस काइंड ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन टू द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ एंड इट विल गिव दम अ वाइडर एक्सपोजर पहला तर्क तो यही है कि इंडिया की लार्जेस्ट सेक्शन जो पॉपुलेशन का है उसे इंडियन मिनो you मिलिट्री know, का आर्म्ड फोर्सेस का एक एक्सपोजर मिलेगा उनका वे ऑफ लाइफ चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस वन आइडिया ऑल्सो सेज दैट इट विल प्रोवाइड द कंट्री विद अ लार्ज पूल ऑफ डिसिप्लिन वर्क फोर्स इसे डिसिप्लिन वर्क फोर्स इंडिया में आएगी विथ वेरिड यू नो स्किल सेट्स इस स्कीम के अंदर अगर हम देखें तो इट विल मेक सिटीजन्स रूल अबाइडिंग एंड वी जो नैरो रीजनलिज्म जो है सेक्टेरियन आउटलुक जो है इससे ऊपर ये यूथ को उभारेगा अलॉन्ग विथ दिस दिस विल ऑल्सो इनहस द फिजिकल फिटनेस ऑफ द यूथ ऑल्सो जो ट्रेंड वर्क फोर्ट है वर्क फोर्स है दे कैन एक्ट एज अ यू नो रिजर्विस्ट इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी किसी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये एक रिजर्व की जैसे एक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर ट्रेंड एंड अलोंग विद दिस ये जो रिक्रूटमेंट मॉडल है इसे इसलिए भी कंसेप्चुलाइज किया गया है क्योंकि इससे जो पर्सोनल शॉर्टेज का जो दिक्कत है जो प्रॉब्लम है उसे उस एड्रेस किया जाएगा इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स It also says that you know it is a means to generate increased employment opportunities. And the goal is that 40% of the personnel will be recruited through the Agni Path scheme. So, after knowing all of this, now we should know that what are the criticisms against this scheme. Scheme? scheme is criticisms Now, the last रिसेंट बजट था 2022 एंड 23 इसमें डिफेंस को 5.25 लाख करोड़ एलोकेट किए गए थे जिसमें से 1.19 लाख करोड़ सिर्फ डिफेंस पेंशन्स के लिए एडअप हुए थे ये देखते हुए कहा जा रहा है कि ये रिफॉर्म इसलिए किया गया है कि इससे जो सैलरी ग्रोथ हो रही है जो पेंशन बिल्स हैं थ्री सर्विसेज के उसे कम किया जा रहा है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है इस स्कीम को लेकर ये भी कह रहे हैं कि इससे जो आर्म्ड फोर्सेस का जो प्रोफेशनलिज्म है वो डाइल्यूट हो सकता है एंड दिस प्रोसेस विल रिजल्ट इन मिक्स्ड यूनिट्स ना जिसमें हमारी जो कोहेजन है और जो रेजिमेंटेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होगी एंड दिस विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म यू नो इज अबाउट द स्कीम आल्सो इट से अगेंस्ट द इंडक्शन ऑफ विमेन ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इससे विमेन की जो इंडक्शन सभी ट्रेड्स में उसके ये खिलाफ है इट्स अबाउट अ यूनिट्स फाइटिंग एफिशियसी एंड रिग्रेस इट विल रिड्यूस दैट अलॉन्ग विद दैट

उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है बाई दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट नाउ देर आर सो मैनी फैक्टर्स इंडियन इकॉनमी को जिसने इफेक्ट किया है बी इट दी बैटरिंग ऑफ द डिमोनिटाइजेशन और दी पेंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन इंडियन इकॉनमी हैज स्टार्टेड शोइंग सम साइंस ऑफ रिवाइवल नाउ इन सब के बाद अब थोड़े अब हमें रिकवरी के जो साइंस हैं वो नज़र आ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली जो पीडिक लेबर फॉर सर्वे रिलीज़ हुआ है फॉर जुलाई 2020 एंड जून 2021, इस सर्वे में ये आया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ी कम हुई है 2019 2019-20 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 4.8 परसेंट थी एंड अब ये उससे रिड्यूस होकर 4.2 परसेंट पर पहुँच चुकी है सो so, थोड़ी ईजिंग हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखने के लिए मिली है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हायर फॉर द मेल्स इन रूरल एरियाज फीमेल्स और अर्बन एरियाज़ के अंदर जो सिचुएशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हायर फॉर फीमेल्स देन इन द मेल्स जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विच बेसिकली इसमें हम उसके बा, उनके बारे में बात करते हैं दोज जू आर वर्किंग और दोज ज़ू आर सीकिंग फॉर वर्क इन द लेबर फोर्स सो so, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दिस इज़ हाइस्ट इन दी फोर ईयर्स हमें इस सर्वे में ये थर्टी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट मिली है एंड इसी लेकर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डाटा है वो भी ये कहता है कि इंडिया में अप्रैल 2022 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट स्टैंड एट सेवन पॉइंट एट थ्री परसेंट बट इंडिया इज स्टिल बिहाइंड यू एस चाइना इन इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वेल यहाँ पे हम जो प्रियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर रहे हैं हमने इसकी काफ़ी डिटेल में हमारे करंट अफेयर वीडियो में डिस्कस किया था इन द वेरी रिसेंट करंट अफेयर वीडियो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एज वेल एंड याद रखिएगा दैट दिस सर्वे इज़ रिलीज बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस 2017 से ये सर्वे रिलीज़ किया जा रहा है एंड यहाँ पे हमने जो बात किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हमने यहाँ पे बात की है सो सी एम आई ई इट्स ए लीडिंग बिजनेस इन्फॉर्मेशन कंपनी ये 1976 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड इट बेसिकली इज अ इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ना वट इज़ द करंट स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्र ह्यूमन रिसोर्स ये जानना भी जरूरी है हमारा जो बजट था ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का इसमें ये एस्टिमेट किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है एज ऑफ मार्च फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू दैट स्टैंड एट थर्टी फोर पॉइंट सिक्सटी फाइव लाख and according to the annual report of department of expenditure it is approximately 71 ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ऑफ देंशन पोस्ट वो वेकेंट एज ऑफ मार्च फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी हमारे यहाँ पे सेंटर की जो मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज है, है उसमें से इंडियन रेलवेज इज़ द बिगेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर मार्च फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी टू लाख एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया गया है Almost 92% of the central government manpower, it is employed by railways, 40% railways employ. Home affairs employees 30%, defense 12%, department of post 5%, department of revenue more than 3%. And there is a large number of employees that are hired on contract basis as per the recommendation of the last two pay commissions. दैन कम्स द क्वेश्चन दैट यू नो वॉट आर द मेजर रिक्रूटमेंट बॉडीज इन इंडिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सोनल्स को रिक्रूट करने के लिए जो मेन टू बॉडीज़ हैं दे आर यू पी एस सी एंड एस एस सी यू पी एस सी ग्रुप ए और ग्रुप बी के रिक्रूटमेंट्स करता है और एस सी एस 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 सी जितनी भी ग्रुप बी हैं नॉन गेजेड पोस्ट जो हैं ग्रुप सी में नॉन टेक्निकल पोस्ट जो हैं चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में हो उनके अटैसड या सब ऑर्डिनेट ऑफिस में हो वो सब रिक्रूटमेंट्स एसएससी करता है देर आर ट्वेंटी वन आर आर बी सर्किट्स जिसमें ग्रुप सी परसोनल्स रेलवेज़ के लिए रखे जाते हैं दिस इस ऑल्सो आई बी पी एस द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन जिसमें जो हमारे नेशनलाइज और रीजनल uh, uh, हमारे रूरल बैंक जो हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है सो so, अल्टीमेटली वी नीड टू नो कि क्या जो गवर्नमेंट ने ये जो एटीन मंथ की डेडलाइन दी है क्या इससे क्या सेंस निकलता है सी दिस मूव डज नॉट अपेयर टू हैव एनी फ्रेमवर्क फॉर रिक्रूटमेंट इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एक तो अग्निपथ स्कीम तो आई है फॉर आर्म्ड फोर्सेज के लिए वो अलग है लेकिन उसके अलावा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए लग रहा है देर इज़ लैक ऑफ फ्रेमवर्क ऑल्सो देर आर कंसर्नस विद द डेडलाइन जो 18 मंथ की डेडलाइन रखी हुई है दिस यू नो काइंड ऑफ रेजिज सस्पेशन अबाउट द फिजिबिलिटी इन अचीविंग द टारगेट ऑल्सो देर इज़ नो क्लियर आइडिया कि जो वैकेंसीज हैं राइट नाउ इन आ गवर्नमेंट एंड पी एस यूज इधर द नीड टू बी आइडेंटिफाइड या फिर जो स्किल्स एंड नेसेसरी हैं कैंडिडेट्स में वो क्लियरली डिफाइंड है या नहीं एंड इन कंसिडर एक्शन टू द वर्क फोर्स विल एंड अप इन क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट एंड इससे जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो श्रिंक हो सकता है सो वॉट इज द नीड ऑफ द आवो सी गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग द सिस्टम ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद रिबरल कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम दैट शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यूज कुछ टेक्नोलॉजी ऑफरिंग सोल्यूशंस देखने लेकर आने होंगे टू रिप्लेस ह्यूमस इन द मोनोटोमस जॉब्स government should gradually move towards recruiting only the skilled jobs in its rank and it is only possible way to keep its salaries and pension bills in check even while adding to the workforce this important article humne aaj ke Indian, Indian Indian express newspaper se hai. so that is all for this video thank you so much for watching I will see you all in my next one thank you